हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। मैं संदीप वर्मा, बोईसर भाई में आपका सबसे पहले स्वागत है। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन है उसे क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो। तो आज कोई वीडियो कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्निकल वीडियो है, वो भी ऑटो रिक्शा के बारे में। क्योंकि बजाज फोर स्टॉक जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि जो मैंने दो वीडियो डाला था उस पर व्यू अच्छे आ रहे हैं। ट्रेंडिंग है मतलब कैसा, कंटिन्यू रोज व्यू आ रहे हैं। तो आज मैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं अपनी खुद की गाड़ी को ही इन्फॉर्मेशन दूंगा और क्या ज़रूरत है इस गाड़ी में करने का, और ड्राइवर या फिर जो भी गाड़ी मालिक है उन्हें क्या करना ज़रूरी है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर से रिटर्न बता दूँ आपको, मैं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे लाल बटन से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर करो। तो ये मेरे पीछे खड़ी है मेरी फोर स्ट्रोक गाड़ी, ठीक है, फोर स्ट्रोक गाड़ी खड़ी है। तो मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ बताता हूँ। पहली बात तो इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने के लिए। क्यों मालूम है, ये गाड़ी का इंजन में काम आने पे ना बहुत ज़्यादा खर्चीला है। ऐसा नहीं है कि आपका 150 में आपका काम हो जाएगा, इसमें जो भी काम होगा वो जो है खर्च जो है बड़ा ही रहेगा। तो एक बार ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ गाड़ी का, उसके बाद आपसे मिलता हूँ मैं। नॉर्मल गाड़ी का ओवरव्यू। इसमें ज़्यादा जरूरी क्या है, देखो मेंटेनेंस हमेशा इसका है ना टाइम टू टाइम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कारण ये है, अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो आपको गाड़ी में खर्च बहुत ज़्यादा आएंगे और इसका खर्च जो है ना बहुत महंगा पड़ेगा आपको। और इसका स्टार्टर का काम थोड़े समय पर आ जाता है, और स्टार्टर में अगर इसका बैंडर रोटर भी चला गया तो समझ जाओ कि 2000 का फटका। और बारिश के टाइम में बहुत गाड़ियों में कॉइल उड़ गया, जैसे मेरे गाड़ी का भी कॉइल उड़ा था, कॉइल उड़ गया तो भी 2000 का फटका। और प्लस इसका ना प्लग पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको ना हमेशा गाड़ी को चेक करना होता है। मैं आपको फ्रंट कैमरे से कुछ व्यू दिखाता हूँ, देखो बस बताता हूँ समझो। बता दो, इस गाड़ी में दो प्लग है, एक ए प्लग है और एक ए साइड में ए प्लग है, ठीक है। तो आपको ए भी गाड़ी का पता करना है और चेक करते रहना है कि आपका पलक एक उड़ा है कि नहीं उड़ा है। उससे भी क्या होता है, गाड़ियों पर लोड पड़ जाता है। मेरी कंपनी फिटिंग सीएनजी है, जैसे आपको दिख रहा होगा। और अभी फ़िलहाल में तो सीएनजी मतलब कोई भी एक ही आ रहा है, मतलब सीएनजी तो सीएनजी लो या पेट्रोल तो पेट्रोल लो। अभी गाड़ी को मैंने वॉशिंग वगैरह नहीं किया है, तो मैं बोला चलो आपको मैं एक सीन दिखाता हूँ। तो क्या करना है, आपको एक प्लग को निकाल देना है, एक प्लग को निकाल के एक प्लग को चेक करना है कि अभी गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। अगर प्लग पे स्टार्ट होती है, एक प्लग आपका उड़ चुका है, फिर अगर ये चेक हो गया तो फिर ये प्लग को आपको निकालना है और चेक करना है। और हमेशा यहाँ से जो ये दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से आपका ऑयल का लेवल चेक करते रहना है। जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से आपको ऑयल का लेवल अपना चेक करते रहना है कि आपका ऑयल का लेवल क्या है। उसके बाद बता दूँ आपको मैं, इसके अंदर ग्रीसिंग, जैसे कि ग्रीसिंग जो है हमेशा करते रहना है। जो दिख रहा है ये रबड़ दिख रहा है आपको वहाँ पर, ग्रीसिंग हर एक 10 दिन पे आपको ग्रीसिंग करना अनिवार्य है। और बजाज फोर स्टॉक गाड़ी काफ़ी बेहतर है और कंफर्टेबल है। मैं पंचबंगला के पास में अभी खड़ा हूँ, और ये रास्ता जाता है चिल्लार फाटा, मतलब मुंबई अहमदाबाद हाईवे को टच होता है। और ये साइड पीछे मेरे हैं मान विराज, जो कि हाथी गेट कहा जाता है, वहाँ पर मैं हूँ अभी। और तो मैं देख रहा था कि वीडियो, कई दिनों से मैं वीडियो देख रहा हूँ ना कि वायरल चल रहा है, मतलब रोज़ फोर स्टॉक के बारे में, क्योंकि बजाज का फोर स्टॉक न्यू गाड़ी है और इतना लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, तो ऐसा चल रहा है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा था चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। ये छोटी सी बस वीडियो थी, और बताइए कैसा लगा वीडियो, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा बताइए मुझे।